हेलो दोस्तों, सभी को तहे दिल से नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी बकरी को घाव हो गया है और घाव के अंदर कीड़े पड़ गए हैं तो हम उसका क्या इलाज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि घाव के अंदर कीड़े आते कहां से हैं। तो देखिए, घाव के अंदर कीड़े मक्खियों के द्वारा आता है। जब मक्खी किसी घाव के ऊपर बैठती है और घाव के अंदर अपने अंडे को छोड़ देती है तो वही अंडे आगे जाकर कीड़ा का रूप ले लेता है और घाव के अंदर कीड़े होने के कारण से घाव बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है और घाव में बहुत ज्यादा सूजन भी आ जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा इलाज बताने वाला हूँ कि आपकी बकरी का घाव भी ठीक हो जाएगा और उसके अंदर के सभी कीड़े भी मर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको घाव की अच्छे से सफाई कर देनी है। सफाई करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है कॉटन बैंडेज। कॉटन बैंडेज अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ पर सूती का साफ कपड़ा भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको लेना है तारपीन का तेल। तारपीन के तेल से घाव की अच्छे से सफाई कर देनी है और जितने भी कीड़े आपको दिखाई दे रहा है उनको चिमटी की मदद से निकाल देना है। कीड़े को निकालने के बाद आपको तारपीन का तेल और कॉटन बैंडेज को मिलाकर एक गोज बनाना है और उस गोज को घाव के अंदर डाल देना है और अगले 24 घंटे के बाद उस गोज को निकालकर फेंक देना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस टाइप के घाव को ठीक करने के लिए कौन कौन से टैबलेट का उपयोग किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसा लेप बताने वाला हूँ जिस लेप के सहायता से आप इस प्रकार के घाव को बहुत जल्दी भर सकते हैं और घाव को ठीक भी कर सकते हैं। तो टैबलेट में हमें सबसे पहले जिस टैबलेट का उपयोग करना है उस टैबलेट का नाम है सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन हमें यहाँ पे 500 mg का लेना है। सिप्रोफ्लोक्सासिन मार्केट में आपको सिप्लोक्स नाम से देखने को मिल जाता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन हमें यहाँ पर एक टैबलेट दिन में एक बार देना है और लगातार 7 दिन तक देते रहना है। सिप्रोफ्लोक्सासिन एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है जो कि घाव को ठीक करने के लिए बहुत बेहतर काम करता है। दूसरे नंबर पे हमें जिस टैबलेट का उपयोग करना है उस टैबलेट का नाम है ओमनाकोटिल। ओमनाकोटिल हमें यहाँ पे 10 mg में लेना है। ओमनाकोटिल को भी हमें यहाँ पे दिन में एक बार देना है और लगातार 7 दिन तक देना है। लेकिन ओमनाकोटिल आप ग्याबिन बकरी को नहीं दे सकते हैं और अगर आपकी बकरी ग्याबिन है तो आपको वहाँ पे उपयोग करना है डाइनापर का। डाइनापर भी आपको एक टैबलेट दिन में एक बार ही देना है और इसको भी लगातार 7 दिन तक देना है। डाइनापर आप ग्याबिन बकरी को दे सकते हैं लेकिन ओमनाकोटिल आप ग्याबिन बकरी को नहीं दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हमें जिस टैबलेट का उपयोग करना है उस टैबलेट का नाम है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन हमें यहाँ पर एक टैबलेट देना है और मात्र एक टैबलेट ही देना है। आइवरमेक्टिन को दोबारा नहीं देना है। एक टैबलेट हमें बड़ी बकरी को देना है और अगर बकरी छोटी है तो हमें आधी टैबलेट बकरी को देनी है। आइवरमेक्टिन घाव के अंदर जो कीड़े हैं उनको मारने का काम करता है, इसलिए हमने यहाँ पर आइवरमेक्टिन का उपयोग किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं उस लेप के बारे में जिस लेप को लगाने के बाद बहुत जल्दी घाव भर जाता है और घाव बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो लेप बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है हल्दी। हल्दी हमें यहाँ पर 1 चम्मच लेना है और दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पर लेना है कपूर और तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पर लेना है नारियल का तेल। कपूर को हमें यहाँ पर अच्छे से पीस लेना है। कपूर, हल्दी और नारियल का तेल तीनों को मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है और लगातार 7 दिनों तक उस घाव पर लगाते रहना है। सुबह में लगाना है और शाम में भी लगाना है, यानी कि दोनों टाइम लगाना है, सुबह में और शाम में दोनों टाइम। इस लेप को आपको लगातार 7 दिन तक लगाते रहना है, उसके बाद आपका घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा।